सत्यन जी, आपने राज कपूर साहब के साथ काम किया होगा, उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा बताइए। राज कपूर जी के साथ कहते हैं नमन करता हूँ मैं उनको। एक पिक्चर मैंने की जो कि मुझे उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला। इतने महान कलाकार के साथ काम करना मैं समझता हूँ सौभाग्य है मेरे लिए। एक पिक्चर थी खान दोस्त, उसके डायरेक्टर थे दुलाल गुहा, शत्रुघ्न जी उसमें मेन रोल कर रहे थे, राज कपूर साहब उसमें हवलदार बने हुए थे, मैं उसमें जेल के अंदर, पूरी पिक्चर थी ज़्यादातर राज कपूर हवलदार थे, मैं जेलर था। नासिक में हम लोग शूटिंग करते थे और उस वक्त उनके साथ काम करने का मौका मिला है। वाह 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 वाह। उनसे कभी डायरेक्टर ये कहता, राज जी यहाँ से आप आएंगे अच्छा लगेगा या यहाँ से आएंगे, बोले मुझे कुछ नहीं मालूम जी, आप डायरेक्टर हैं जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अपनी राय कभी नहीं देते थे वो डायरेक्टर को, राय मीन्स नहीं मैं तो ऐसे करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, नहीं वो नहीं कभी करते थे, जैसा डायरेक्टर ने कहा। आप दादा यहाँ से आइए, ठीक है मैं आ जाऊँगा दादा, तो मतलब वहीं से आएंगे वो, ये नहीं कि नहीं यार मुझे यहाँ से नहीं अच्छा लगेगा मैं यहाँ से आऊँगा, कभी नहीं कहा उन्होंने। ये थे राज कपूर साहब जो पूरे काम में लगे हुए हैं, करेक्टर में घुसे हुए हैं। उनका भी ये था, आते लेट थे लेकिन काम अपना ख़त्म करके जाते थे। और ऐसा एक्टर, वाह वाह वाह। एक दिन की बात है, उड़ते आराम से थे वो, मेरा पैकअप हो गया नासिक से, मुझे आना है बॉम्बे, बॉम्बे आके बेंगलोर जाना है। मुझे आदमी आया रात को मेरे कमरे में, कहने लगा साहब सुबह जा रहे हैं, मैंने कहा जी हाँ, गाड़ी थी मेरी अपनी, मुझे बम्बई आना था नासिक से। तो आदमी आया, कहने लगा साहब आपको डायरेक्टर बुला रहे हैं, मैंने कहा ठीक है मैं गया। तो डायरेक्टर कह रहे कपूर साहब कितने बजे आपको बॉम्बे से नासिक बेंगलोर जाना है, मैंने कहा मुझे बॉम्बे से बेंगलोर जाना है रात को 8:30-9 बजे की फ़्लाइट है, मुझे शोले के लिए जाना था बेंगलोर और इनकी नासिक में शूटिंग चल रही थी। तो कहने का आपको बुलाया है दुलाल दा ने, गया बताया मैंने उनको, मैंने कहा ऐसे जो मुझे बात है, बोले एक काम करें कल आपको मैं 11 बजे छोड़ दूँ, 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं, आपके लिए एक सीन करना है राज जी का और आपका। मैंने कहा राज कपूर सुबह 7 बजे आ जाएंगे सेट पे, बोले हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है रख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से 11 बजे निकल जाऊँगा, बोले चले जाइएगा आप। अब मैं सुबह उठ के 6 बजे नाश्ता करने के लिए जैसे बाहर निकला हूँ कमरे के, वो था मैदान था, देखा राजी बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं। अरे मैंने कहा राजी 6:45, बोले आपको जानना ना जी सुनना है हमने, मैंने कहा जी हाँ, बोले आपके लिए उठे हैं जी हम 5:30 बजे से बैठे हैं जी। मैंने कहा राजी वाह 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 कमाल है, जो कभी नहीं उठते एक आर्टिस्ट के लिए, साथ में काम करने वाले की वाले आर्टिस्ट की, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ कमी लगे मेरी वजह से, वो उसकी जिम्मेदारी को मानते हुए, वो राज कपूर साहब सुबह कितने जल्दी उठे होंगे और 7 बजे नाश्ते बैठे हुए हैं, और जाके उन्होंने बाकायदा काम किया मेरे साथ, सीन किया हमने, 11 बजे मुझे छोड़ दिया गया। और ऐसे आर्टिस्ट तो क्या बात है, वाह वाह वाह, लग जाते थे जैसे नया एक्टर लगता है सीन के पीछे, वो राज कपूर साहब थे। हमारी यहाँ